Hey guys, welcome back to my channel. हर बार की तरह बाल मेरे फिर से ठीक हैं, अभी थोड़े से ठीक हैं. और आज वेदर का जो फोरकास्ट है, क्लाउडी है, बट यहाँ का भरोसा नहीं है. आजकल थोड़ा बहुत फिर से बारिश हो गया है शुरू. तो कल जाने वाला था मैं यूनी ऑफ ग्लासगो, बट नहीं हुआ कल. कुछ और ही प्लान्स हो जाते हैं हमेशा. सिटी सेंटर देखते ही ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ. आजकल सेल भी बहुत चल रहा है. सो मैं अभी जा रहा हूँ यूनी ऑफ ग्लासगो. वो पीछे जो आप रैकेट देख रहे हैं, ये स्ट्रिंग्स लगाना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी. ओके बाय. तो ये जो टाइम है साल का, पूरे यूरोप, यूके, इन सब जगहों में बहुत टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, क्योंकि अच्छा मौसम रहता है और सनशाइन ज़्यादा रहता है ऑब्वियसली. और अभी ग्रेजुएशन का भी टाइम है, तो आपको एक चीज़ दिखा दूँ मस्त. यह है यहाँ का ट्रेडिशनल, पूरा ट्रेडिशनल तो नहीं है, ये थोड़ा इन्होंने नाइंसा भी कर दी. सो ये सामने अपना यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैटलाइट का बिल्डिंग है, और ये आई थिंक ये सबसे पुराना बिल्डिंग है इनका, रॉयल कॉलेज. सो ऐसे कई सारे बिल्डिंग हैं, ये भी एक यूनिवर्सिटी का पार्ट है, पीछे भी है. ओके, अभी हमें क्रॉस करना है. दिस इज कॉल्ड जॉर्ज स्क्वायर, शायद आपने पहले वीडियोज में देखा होगा. और वो सामने क्वीन स्ट्रीट का रेलवे स्टेशन है, छोटा है वो थोड़ा, इससे बड़ा ग्लासगो सेंट्रल है, वो थोड़ा आगे जाके लेफ्ट है. सो गाइस, अभी एनीसलैंड पहुंच गए हैं. दिस इज़ द स्टेशन, और करीब 15-20 मिनट लिया. तो यहाँ पे आई थिंक रहना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत शांत जगह है यहाँ पे. और Keep walking, no? Walk and talk. अच्छा लगेगा यहाँ पे, ऐसा लगेगा थोड़ा पहाड़ के आसपास हो. ये वेदरस्पून अपना हल्दीराम इंडिया का, और इधर वेदरस्पून बोलते बस. अच्छी जगह है यहाँ पे. जीप, ये पहली बार कुछ अलग देख रहा हूँ मैं, ये कौन सा मॉडल है पता नहीं. तो जो दुकान हम लोग ढूंढते पता नहीं कहाँ घुस गया अंदर, मस्त एकदम ट्रिप ले रहे हैं. अच्छा भी लग रहा है कि नया गांव एक डिस्कवर कर लिया हमने. एनीज लैंड, पीपल लिव हियर. बोट हाउस सामने डॉगी है. क्यूट रोड छोटू सा, रात को तो तेरी फटेगी यहाँ पे बहुत ज्यादा. मैं ढूंढते फाइनली मिल गया, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग, ये क्लब है एक्चुअली, सब यहाँ पे क्लब, बेसिकली स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस. तो यहीं अंदर था शॉप, तो दे दिया. अब कल आना होगा मुझे फिर से दोबारा. कोई नहीं, फिर से गांव का सफ़र लेंगे. फिर से आ रहे थे और सोचो क्या दिख गई हमें. टन टन, तो गाइस ये है केल्विन ग्रोव पार्क, ये आसपास ग्लासगो यूनी के है. और वेदर अच्छा है ना आज, तो सही लग रहा है एकदम. बारिश हो जाए तो वही कहीं रुकना पड़ेगा हमें. मैं ये बाहर से कई बार देखा बट अंदर नहीं आता, तो आज अंदर आ गया. नाइस पार्क. सामने जो आपको तंबू दिख रहा है वही है, बहुत दूर है लेकिन.
था आते वक्त एक स्ट्रक्चर देखा और यहाँ पे है ये सिनेमा टेलीविजन फिल्म स्टडीज। ओके, तो सामने ये बिल्डिंग है वही जो टेलीविजन और सिनेमा सीखने के लिए। हमें तो ये ख्याल भी नहीं आता इंडिया में। तो सामने अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ आते ना तो हम म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं जहाँ ये 1807 में ओपन हुआ था भाई डॉक्टर विलियम हंटर। तो उन्हीं के नाम है हंटर इन म्यूजियम रख दिया है। चलो देखते हैं क्या है। I don't think I'll come in the video because the light is right there. Yeah, a bit. So cool. बहुत बड़ा म्यूजियम है। कई सारे पुराने पुराने चीजें रखे हुए हैं। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है मालदा फूल कॉलेज 1690। बाप रे बाप, तब ऐसा कुछ हुआ करता था। तो दोस्तों यही तो था वो लंबू सा टावर जो हमें देख रहा था। और क्या आर्किटेक्चर है यार, ये मतलब मज़ा आ रहा है देख के मेरे को। एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का वेट ही अलग होता है, लाइक फील होता है वो हिस्ट्री। हाँ वो सब फील होता है। हमारे वो स्ट्रैटलाइट के सामने ये तो लाइक स्ट्रैटलाइट नया यूनिवर्सिटी है, मतलब यहीं से कुछ लोग अलग यहाँ से गया क्या? नहीं मतलब यहाँ से लोग ये करके अलग होके अलग से। क्या बात कर रहा है, पहले ये और स्ट्रैटलाइट से। तो पहले इंजीनियरिंग कोर्स के लिए बेसिकली यूज कर रहा था, सो इट वाज मोर लाइक एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। इट्स ग्रेट टू टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी। कूल, ओह यही तो चाहिए था मुझे। ओ मिल गया। तो दोस्तों इसी के लिए रुका था मैं, बट इधर एक फोटो निकालना होगा। तो जो आप ये देख रहे हैं ये वही बिल्डिंग है। हेलो, तो ये जो यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये इनका मेन एंट्रेंस है, मेन स्ट्रक्चर है जो काफ़ी फेमस है ग्लासगो स्कॉटलैंड पूरे यूके में। और काफ़ी हिस्ट्री है इसमें, कितने 1400 कुछ में बना था शायद ये। सो काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर। 550 years।
मतलब ये तो ताजमहल से भी पुराना है। आई थिंक 1600 में बना था ताजमहल, 1500 कुछ में शुरू हुआ था शायद। क्या बात है, ऐसे ही नहीं मतलब वो करण जौहर का वो जो मूवी का सेट ऐसा लगता है। Let's go. और लोगों का यहाँ पे ग्रेजुएशन भी हो रहा है तो लोग अपने अपने वो गांव में चलो चलते हैं दोस्तों, गाइस फ्रेंड्स। ये सारा यूनिवर्सिटी का पार्टी है ना, बिल्डिंग्स तो ये लर्निंग हब देख रहा है बिल्डिंग, ये थोड़ा सा मॉडर्न बिल्डिंग लगा मेरे को। और लाइब्रेरी मैंने कहीं दूर से देखा था, ऐसा ही कुछ था, बहुत बड़ा था। तो हम वहाँ से आ रहे थे, अभी जाते जाते इधर कहीं जाना है। तो हम लोग यूनी से जस्ट निकलते ही एस्टन लेन बोलते हैं और अपन यहाँ पे आ गए हैं। और अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी सी जगह है, बट ये लाइट ऑन होता है ना मज़ा ही आ जाता। कहाँ जाना है अपन को? छोटा सा लेने बट मतलब दोनों साइड रेस्टोरेंट हो रहा है। जाना अभी हमें? क्या खाना आपको? बर्गर खाते हैं। ब्रेड का फर्स्ट टाइम ट्राइंग अ बीफ बर्गर, डैम गुड राइट? आउट ऑफ 10? अ 9? फुल मार्क्स। वेल दिस इज योर फर्स्ट बीफ बर्गर। जमन सही बोल रहा है। हाय जमन, याद कर रहा तुझे बीफ बर्गर खाते हुए। कूल। वहाँ पे बैठ रहे थे हम, बारिश पड़ गई दोस्तों, बारिश बहुत ज्यादा।
तो हम लोग आए थे ये ब्रेल में जो आपको मैंने दिखाया, और इनका बर्गर बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट सारा मेन्यू इनका अच्छा है। और बारिश हो चुकी है, अब जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगा। वैसा कोई बोल रहा है स्मेल नेक्स्ट लेवल स्मेल आ रही है एकदम चुम्मेश्वर चुम्मेश्वर आप ये क्या चल रहा है बैडमिंटन भी खेलना है यार जाके चल गुड डे नो बस बहुत चलना पड़ा रैकेट की वजह से फक। तो अभी सबवे लिया है और सबवे लेके अपन पहुंच जाएंगे सिटी सेंटर। तो सबवे भी दिखा देते हैं आपको यहाँ पर। तो दोस्तों बारिश हो गई है तो हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही थोड़ा कम हो जाए तो भागना पड़ेगा। और रुकते रुकते और ज़्यादा ही बारिश हो गई है, अब क्या ही करें। ओह घर जाना यार, इतना जो धूप दिया था ना अपने ग्लासगो में, तो मतलब उसका हिसाब निकाल रहा है एकदम। इतनी बारिश है यार, आपको समझ आ रहा है वो नहीं पता, बस बहुत ज़्यादा है, बूंदे देख रहे हो। तो हम यहाँ पे आ गए कॉफ़ी पीने, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने, होपफुली कॉफ़ी अच्छी हो।